अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी महरोश महमूद एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन लिटल हैप्पीनेस विद महरोश। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का नाश्ता, लाहौरी नाश्ता, स्पेशल नाश्ता जिसे कहते हैं बीफ बोंक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर रेसिपी। बोंग के लिए मैंने ये 3.5 किलो गोश्त ली है। इसकी बोटियाँ जो हैं वो मैंने बड़ी बड़ी काट ली थी कटिंग बोर्ड पे रख के। इसकी स्पेशलिटी भी यही है कि वो गलाया ही इतना जाता है कि ये सारी बड़ी बड़ी बोटियाँ जो हैं ये गल जाएं और जब रोटी के साथ या जब नान के साथ आप खाएं तो मुँह में मलाई की तरह घुल जाएँ। दूसरी तरफ मैंने ये तकरीबन 20 के करीब नलियाँ ली हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप बोंग बनाते हैं तो वेट जो होता है वो गोश्त का काउंट होता है, नलियों का वेट काउंट नहीं होता। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिग साइज़ की काफ़ी नलियाँ हैं। बोंग पाए अगर बना रहे हैं तो उसमें जो पाए होते हैं उसका वेट काउंट होता है। तो आज मैंने जो गोश्त लिया है वो तकरीबन 3.5 किलो है। फार्मूला मैं आपको 3.5 किलो का देने लगी हूँ आज। इसके लिए मैंने यहाँ पे बिग साइज़ का पतीला या देगचा लिया है। पहले मैं इसमें अपनी नलियाँ शामिल करूँगी। बोंग में शोरबा ज़्यादा होता है, आपने पानी इतना ऐड करना है जिसमें नलियाँ अच्छे से डूब जाएं और शोरबा भी हमारा ज़्यादा हो। गोश्त मैंने अभी नहीं डाला, मैं इसमें अपने मसाले डालूँगी। 2 प्याज मैंने लिए हैं और 18 से 20 लहसुन के जवे लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून नमक लिया, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको कवर करके रख दूँगी, जोश आने का वेट करूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको उबाल आने में। पानी को जोश आ गया मेरे। अब मैं इसमें अपने खड़े मसाले शामिल करूँगी। 4 दालचीनी के टुकड़े लिए, उन्हें छोटा छोटा मैंने तोड़ लिया है। 5 से 6 ग्रीन इलायची लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च लिया है। 1 टीस्पून लौंग लिए हैं। 3 बादियान के फूल लिए हैं और 4 तेज़पत्ते लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 बड़ी इलायची लिया, 2 टेबलस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है, वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम की आँच अब मैं कर दूँगी और उसके बाद फिर गोश्त शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, देखें नलियों को गलते हुए 5 घंटे हो गए हैं, सारा रोगन बाहर आ गया। नलियाँ हमारी गल गई हैं, पूरी मक्खन और मलाई हो गए हैं। ये जो आपको ऊपर वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये सारा रोगन है। अब मैं इसमें अपना गोश्त शामिल कर दूँगी। और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए वही दम की आंच पे बनाऊंगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 3 मीडियम साइज अनियन लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मैं ब्राउन करूंगी। प्याज मेरा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइव टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूँगी। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, 5 टेबल स्पून पीसा धनिया, 2 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 2 to 3 टेबल स्पून गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करूँगी। आधा किलो दही ऐड करूँगी, साथ ही मैं इसमें अपना ब्राउन अनियन ऐड कर दूँगी जो हमने पहले फ्राई किया था। 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई करूँगी ताकि दही का जो पानी है पुशअप हो जाए और ऑयल सेपरेट आउट हो जाए, ऊपर तरी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, मसाला हमारा देखें तैयार है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको भुना है, ऑयल ऊपर आ गया है, पानी भी शुक हो गया दही का। अब हम इस मसाले को अपनी बोंग में शामिल करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा गल गया है, ये देखें माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बोटी जो है वो बिल्कुल टेंडर हो गई है, मलाई हो गई है। अब हम इसमें अपना मसाला शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। और ये हमारी बीफ बॉन्क रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ले जी, बीफ बॉन्क लाहौरी स्पेशल नाश्ता हमारा रेडी है। मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया और जूलियन शेप में अदरक काट कर डाल दी है, आप लेमन भी डाल सकते हैं। सबको खिलाएं, स्पेशली कमेंट्स में मुझे फीडबैक लाजमी शेयर करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।